इस वक्त शहर की सड़कों पर रोडवेज बसें यमदूत बनकर घूम रही हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिफोर प्रिंट, मैं हूं आकांक्षा यादव। इस वक्त बड़ी खबर कानपुर शहर के चकेरी थाना क्षेत्र से आ रही है, जहां जुगल टॉकीज के सामने एक रोडवेज बस अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़ गई। वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से बस डिवाइडर के ऊपर चढ़ी हुई है। गनीमत की बात यह रही कि इस पूरी घटना में किसी के भी हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टाटमिल से रामा देवी की ओर आ रही ये रोडवेज बस जुगल टॉकीज के पास पहुंचते ही कार में टक्कर होने से बचाने के दौरान डिवाइडर पर चढ़ गई। वहीं घटना के बाद राहगीरों द्वारा सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकालकर उन्हें दूसरी बस द्वारा आगे की ओर रवाना कर दिया गया। तो वहीं इस घटना के बाद कई किलोमीटर तक लंबा जाम भी लग गया। अब सवाल रोडवेज बसों के चालकों पर उठता है कि वह बस चलाने के कितने योग्य हैं, क्योंकि आए दिन ऐसी घटनाएं सामने आती रहती हैं। कमेंट करके हमें आप जरूर बताएं कि सरकार को इस पर क्या एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि इस तरह की घटनाओं से लोगों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है किशन ठाकुर। ये क्या हुआ था? एक्चुअली हुआ ये था कि रोडवेज यहाँ से आ रही थी, एक कार वाले ने बाएं हाथ पे ओवरटेक करने की कोशिश करी और आगे पेड़ था, उसने अचानक ब्रेक मार दी, तो रोडवेज वाले जो था उसने बचाने चक्कर में उधर बस काटी, लेकिन दोबारा ना मोड़ पाने की वजह से बस डिवाइडर के ऊपर चढ़ गई और उसके बाद बहुत बड़ा हादसा चलते हुए बच गया और कार वाला वहाँ से एंड मौके पे गायब हो गया, वो तुरंत भाग गया। बस यही हुआ था। और बस में कितने सवार थे? बस में जो सवारी जो जितनी भी थी वो सब कुशल नहीं, किसी को खरोच नहीं आई, वो उतरे और दूसरी बस का इंतजार कर रहे थे, दूसरी बस जैसे ही आ गई है वो वहाँ से चले गए दूसरी बस में बैठ। अच्छा, ये घटना कहाँ की और कितने बजे की है? ये घटना भैया जीवन गार्डन की है और करीब अभी से डेढ़ घंटे पहले की है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।